हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से एक बार दृष्टि आईएएस की एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर। साथियों साथियों, ये जो आज की हमारी प्रैक्टिस है, शुद्ध रूप से करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट है साथियों। और करंट अफेयर्स जो है आपका जुलाई से लेकर सितंबर 2024 तक के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, सारी की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उस सारे के सारे प्रश्नों को रखा है साथियों। या इसमें आपको जो सवाल आपको मिलेंगे, विभिन्न योजनाएं, जो सरकार की विभिन्न योजनाएं आई हैं उससे संबंधित सवाल है, सर्वेक्षण से संबंधित सवाल है, रिपोर्ट से संबंधित सवाल है, विभिन्न सूचकांक, अनुसंधान इत्यादि पर जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे, सारी चीजों को मैंने एक छोटे से वीडियो में समेट दिया है जुलाई से लेकर सितंबर 2024 तक के। साथियों साथियों, इसको हमने एक पीडीएफ फॉर्म में बनाने का पूरा प्रयास किया है। बहुत से साथी थे, कह रहे थे सर ये जो आप पीडीएफ पर पढ़वाते हैं विभिन्न संस्थाओं का कंटेंट, ये ठीक से दिखता नहीं है। तो साथियों, इस समस्या से निदान पाने के लिए हमने वही दृष्टि आईएएस का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें साथियों जो कुल सिलेक्टेड प्रश्नों को हमने लेकर जो बेहतरीन प्रश्न लग रहे थे उसको हमने अपने पीडीएफ फॉर्म में बनाया है। इससे दो फायदा होगा साथियों, एक तो हमें कॉपीराइट का सामना नहीं करना पड़ेगा, दूसरा आप लोगों की जो समस्या थी सर दिखता नहीं ठीक से, वो सारी आपसे आपके सामने अच्छे से वो विजिबल हो इसलिए। तो साथियों, मेहनत बहुत लगती है ऐसी चीजों को बनाने में, अभी एक रुपया आता भी नहीं है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आप हम पर विश्वास करेंगे। साथियों, आपके लिए जितना हो सकेगा बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को लिए हम प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको करंट अफेयर से सवाल मिलेंगे और लास्ट में कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जो करंट से ही रिलेटेड जीएस के सवाल है। देखने में आपको तो जीएस जैसा लगेगा लेकिन उसका कनेक्शन तो करंट से है। तो चले साथियों, हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। साथियों, बहुत बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओएआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024 के लिए साथियों रामबाण साबित होने वाला है। तो चलते हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा, बहुत बेहतरीन, देखते हैं क्या है। साथियों, ये जो प्रश्न दिया है पहले वाले में हमारा, क्या कह रहे हैं इसमें साथियों, जो प्रश्न पूछा जा रहा है पहले वाले प्रश्न में, तो इसमें कह रहे हैं हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 साथियों हायाओ मियाजाकी को सम्मानित किया गया है, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा। तो ये साथियों जापान के हैं, ये हायाओ मियाजाकी जापान के हैं और ये फिल्म डायरेक्टर भी है। तो इन्हें जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। और इस साल 2024 में किसे मिला है, हायाओ मियाजाकी को। तो HM थोड़ा सा याद रखे रहेंगे तो याद रहेगा आपको। चले हम लोग दूसरे प्रश्न पर साथियों, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखें। दूसरा प्रश्न जो हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनिवार्य और मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया है। तो विकल्प नंबर साथियों बी हो जाएगा, असम सरकार ने जो है अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया है। साथियों, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि असम सरकार ने दो बहुत ही बेहतरीन अपने हिसाब से कानून लाया, एक तो लैंड और एक जिहाद से संबंधित कानून था, यही जो देख रहे हैं। यानी अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम में विवाह होगा तो उसे सरकार को सूचना देना होगा, और दूसरा जो लैंड से संबंधित था कि हिंदू मुस्लिम में कोई जमीन की खरीद फरोख्त होगी तो उसको भी सरकार को सूचना देना होगा। तो यही जो अनिवार्य मुस्लिम और तलाक पंजीकरण विधेयक है ये पारित किया है, तो असम सरकार ने पारित किया है। इससे संबंधित दोनों मामले, जमीन का हो या विवाह का हो हिंदू मुस्लिम में, तो ये जो है आपको मतलब इससे संबंधित सरकार को सूचना देना होगा, इससे संबंधित है। आगे देखें हम लोग क्या है हमारा, देखें तीसरे वाले में जो पूछा जा रहा है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, जानते हैं साथियों ये रेड लिस्ट जारी करती है, जो भी जीवों को खतरा मंडराता है तो उन पर जो है उनको जो है रेड लिस्ट में शामिल करती है। तो IUCN की रेड लिस्ट के तहत नारकोंडम हार्नोबिल को सूचीबद्ध किया गया। नारकोंडम हार्नोबिल साथियों एक पंछी की तरह एक जीव है, अभी इसको जो है खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है, तो इसको जो है इन्होंने रेड लिस्ट की सूची में इसको शामिल किया है IUCN ने। तो साथियों IUCN ने शामिल किया है, तो उसमें किस में शामिल किया है, सुभेद में।
सुभेद मतलब साथियों इनकी संख्या अभी है ठीक ठाक, लेकिन इन पर खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है खत्म होने का, तो यही होता है सुभेद। तो विकल्प नंबर आपका एक हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में वल्नरेबल बोला जाता है। सुभेद जो है सुभेद में शामिल किया गया है, नारकोंडम या पंछी जैसा जीव होता है नारकोंडम हार्नोबिल, तो HN नारकोंडम हार्नोबिल को सुभेद श्रेणी में IUCN ने जारी किया गया है। आए आगे देखें हम लोग, चौथे में हमारा क्या पूछा जा रहा है, विश्व में स्टील उत्पादन की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। साथियों विश्व में इस्पात यानी स्टील के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो साथियों भारत का स्थान चीन का तो पहला है स्टील उत्पादन में, भारत का यहाँ दूसरा हो जाएगा, दूसरा स्टील उत्पादन सबसे ज्यादा ये भारत का है, और तीसरा साथियों जापान का है, तीसरा जापान का है, और चौथा USA यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, तो ये भारत का पूछे है, तो भारत का हो जाएगा आपका दूसरा, सी हो जाएगा उत्तर हमारा। आगे चले हम लोग देखें, 100 में ये यहाँ 100 गलती से लिखा गया, चौथा प्रश्न है ये। तो हाल ही में जारी विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में, साथियों यह डाटा तो इसका 24 में रिपोर्ट आई है, लेकिन जो कोई सी रिसर्च होती है तो एक साल पहले की होती है, तो ये 2023 का रिसर्च है, 2024 में रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार कि 2023 में कृषि उत्पाद के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है। तो साथियों 2023 में जो कृषि उत्पाद का मामला है, जो भी रिपोर्ट आई है, तो भारत दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा जो है, जो कृषि उत्पाद के मामले में ये 8वां स्थान है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, भारत जो है 2023 में कृषि उत्पाद के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है, विकल्प नंबर सी। क्या है 8वां स्थान में, कृषि संबंधित उत्पाद के मामले में, कृषि उत्पाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आगे हम लोग देखें, अगर साथियों ये क्या कह रहे हैं, पांचवां वाले में देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने, किसने साथियों, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आप लोग जान रहे हैं आनंदीबेन पटेल हैं, तो राज्यपाल ने राज्य के किस जिले में पहले AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया, यानी साथियों आंगनवाड़ी केंद्र में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां का उद्घाटन किया है, आंगनवाड़ी केंद्र में वहां AI यानी एक तरह से कह सकते हैं जो जैसे रोबोट की तरह वहां एक कंप्यूटर रखा गया है, रोबोट रखा गया है आंगनवाड़ी केंद्रों में, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया है साथियों, गाजियाबाद में किया गया है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, आंगनवाड़ी में AI आधारित जो है राज्य की, मतलब अगर ऐसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राज्यपाल ने जो है AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें ये छठवें वाले में, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी, कौन सा जारी किया है साथियों, लोकतंत्र सूचकांक जारी होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, तो ये ब्रिटेन की एक संस्था है साथियों, यही जारी करती है, तो लोकतंत्र सूचकांक, तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो लोकतंत्र सूचकांक जो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, तो उसमें भारत का स्थान साथियों 41वां है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, कि भारत लोकतंत्र कहां सबसे बेहतरीन तरीके से कायम है इसकी एक सूची होती है। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बजट 2024-25 में, बजट 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितना प्रतिशत होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं साथियों राजस्व घाटा जो होता है सरकार की, जो जितना एक्स्ट्रा खर्च होने वाला है, तो जैसे सरकार ने जुगाड़ किया जो है 10 रुपए का, और सरकार का खर्च हो गया 15 रुपए, तो यहाँ पर जो 5 रुपए का जो ये एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको सरकार को उधार लेना पड़ेगा, घाटा लग रहा है, यही समझ लीजिए मोटा मोटा ये राजस्व घाटा है। तो साथियों यहाँ पर यही आपसे पूछा जा रहा है कि 2024-25 के बजट में सरकार का जो राजस्व घाटा है कुल GDP का कितना प्रतिशत होने वाला है राजस्व घाटा, तो वो जो घाटा है 1.8%, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 1.8%, यही सरकार का इतना राजस्व घाटा होगा। और राजकोषीय घाटा जो होगा साथियों, ये तो हो गया आपका राजस्व घाटा, मैं सारी चीजों को क्लियर कर दे रहा हूं, ये राजस्व घाटा हो गया, और ये 4.9% साथियों ये राजकोषीय घाटा है,
ये राजकोषी घाटा का इतना अनुमान लगाया गया है, तो ये राजकोषी घाटा, ये राजकोषी घाटा हो गया। और यहाँ पर साथियों प्राथमिक घाटा की जो बात की गई है 1.4, ये प्राथमिक घाटा इतना के अनुमान लगाया गया है, ये प्राथमिक घाटा। और यहाँ पर जो ये 0.6% है, ये एक तरह से साथियों ये है प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये प्रभावी राजस्व घाटा आप लोगों ने सुना होगा, लिखा नहीं जा रहा है, मैं बोल दिया हूं। तो फिलहाल राजस्व घाटा बी हो जाएगा 1.8%। आगे अगर हम लोग देखें तो हाल ही में भारत का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो साथियों जैसे आप लोग पैसा निकालते हो एटीएम से, कुछ उसी तरह का एक मशीन होगी जो आप, जो लाभार्थी रहते हैं, जो प्रधानमंत्री जो है अन्न योजना के तहत जो है, अगर जो लाभार्थी रहते हैं वो अपने हिस्से का अनाज जाके वहां 50 किलो अनाज तक ये तौल दे सकती है एकदम सही तरीके से बिना किसी धांधली के। तो अनाज एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ओडिशा के, विकल्प नंबर बी ओडिशा का। अगर जिला पूछे तो भुवनेश्वर बना देना, भुवनेश्वर, ओडिशा के भुवनेश्वर जिले में ये अनाज एटीएम पहला लगाया गया है, भारत का पहला अनाज एटीएम। आगे देखें हम लोग अगर नौवे में, तो साथियों नौवे में हमसे पूछा जा रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर के राज्य में सेमीकंडक्टर पार्क का उद्घाटन किया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क का उद्घाटन किया है। आप लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत अच्छा है, इसकी चालकता जो होती है जो कंडक्टर से कम होती है और नॉन कंडक्टर जो होती है उससे ज्यादा होती है, और टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की चालकता भी बढ़ने जाती है, इसलिए इसके जो एम्पलीफायर वगैरह होती है, मशीनें होती है, उसमें इसका ज्यादा प्रयोग होता है। क्योंकि तो एम्पलीफायर जो है गर्म होने पर जो जो मतलब और अच्छा काम करे, इसलिए जो देखते हैं जो डीजे उजे की मशीनें होती हैं गर्म होने पर और अच्छा बजने लगती हैं, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर का होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसा मैंने बता दिया, फिलहाल इसका उत्तर सी होगा, नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क लगाया। तो देखिए साथियों दसवां प्रश्न है, अभी हाल ही में जो है महान उद्योगपति रतन टाटा जी का ये निधन हो गया है, उसी संबंधित ये सवाल है कि रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो साथियों ये पद्म विभूषण की बात कर रहा है, पद्म विभूषण साथियों बात करें तो विकल्प नंबर ये डी का बता देना, पद्म विभूषण से। और अगर आपको केवल पद्म भूषण से अगर बात करें तो पद्म भूषण की अगर बात किया जाए तो ये 2002 में इनको मिला गया था, तो पद्म भूषण 2002 में और 2008 में ये पद्म विभूषण। तो फिलहाल उत्तर डी हो जाएगा हमारा। आगे चले हम लोग देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि इनके जो इनका जन्म था 1937 में था, अभी ये हाल ही में जो है 2024 में इनकी मृत्यु हुई। तो आगे देखें हम लोग, अगर जन्म पूछे तो याद रहे आपको। देखें ये भी अभी हाल ही में चर्चा था एक दो दिन पहले साथियों, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार और विपक्ष में ये काफी ज्यादा ये कंट्रोवर्सी था, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर, JPNIC। तो आप लोग इसके बारे में देखे होंगे, जो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव यहाँ जाना चाह रहे थे, इनको रोक दिया गया, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया। तो इंटरनेशनल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JPNIC उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो जानते हैं साथियों उत्तर प्रदेश के ये लखनऊ जिले में है, विकल्प नंबर बी हो डी हो जाएगा आपके, लखनऊ में JPNIC जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, जो सपा सरकार में इसका बनाया गया था, हालांकि अभी ये जांच को लेकर बंद है, अभी तभी से लेकर इसको पूरा नहीं हो पाया है ये। तो आधुनिक तरीकों से ये लैस है, विभिन्न बहुत सुविधाओं वाला ये एक तरह से म्यूजियम है, वहां पर सम्मेलन काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ये यहाँ पर बनाया गया था ये, तो अभी ये इसलिए चर्चा में था ये। साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, यहाँ आप कई सारा फैक्ट सीखेंगे। इसमें आपसे कह रहा है अमेरिकी संस्था, संस्थापक नहीं संस्था होगा साथियों, अमेरिकी संस्था एक है जिसका नाम है फोर्ब्स, यही फोर्ब्स जो है अमेरिकी संस्था विश्व के अरबपतियों की सूची जारी करती है। तो विश्व के अरबपतियों की सूची जारी किया गया जिसमें मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला, पूरे विश्व में संपत्ति के मामले में, अरबपति के मामले में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। इनको जो है 116 साथियों जो है अरब डॉलर के साथ इनको रखा गया है, जो यानी 116 अरब डॉलर के साथ इनको जो है विश्व के 9वें स्थान पर रखा गया है।
तो विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा। हालांकि भारत में ये पहले स्थान पर हैं, अपने भारत में अरबपतियों की बात किया जाए, लेकिन पूरे विश्व से जब देखेंगे तो विश्व के नौवें स्थान पर हैं, तो 116 अरब डॉलर। जो टॉप के हैं वो 233 अरब डॉलर के साथ जो है वो टॉप पर है, बर्नार्ड एल्टॉर्ट है जो है फ्रांस के हैं, तो वो ये है। और इनके जो एक घर के हैं जो साथियों, जिन्हें अडानी कहा जाता है, जो है गौतम अडानी, तो अडानी साथियों ये विश्व के 17वें सबसे अरबपति हैं, तो विश्व के 17वें अरबपति हैं और भारत में जो है ये दूसरे स्थान पर हैं। तो फिलहाल यही होगा। तो यहाँ नौवां पूछा है, तो मुकेश अंबानी विश्व के परिपेक्ष में नौवें हैं, भारत में तो पहले हैं, और अडानी विश्व में 17वें हैं और भारत में दूसरे स्थान पर। आगे देखें, अब गौतम अडानी की जो ये संपत्ति यहाँ पर दिखाई गई है साथियों, ये गौतम अडानी वाला ये 84 अरब डॉलर, तो इनका तो 116 अरब डॉलर है ये मुकेश अंबानी का, इनका 84 अरब डॉलर। आगे देखें हम लोग, तो इसमें क्या है, हाल ही में 8वें अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 8वें अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन साथियों ये गुजरात के जो है अहमदाबाद में किया गया, विकल्प नंबर ये आपका सी हो जाएगा, अहमदाबाद में। तो यहाँ पर किया गया धर्म सम्मेलन, यानी धर्मों के बीच सामंजस्य बढ़ाने के लिए, तो ये धर्म सम्मेलन हुआ ये अहमदाबाद में, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे देखें हम लोग 14 में, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो साथियों बहुत अच्छा सवाल है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की बात करा, अभी साथियों चर्चा में भी था, तो इस समय इसमें नहीं दिया है। अभी भारत जो है 700 बिलियन डॉलर के साथ, 700 बिलियन डॉलर के साथ ये भारत जो है ये जो है अपना ये तीसरा सबसे ज्यादा बन गया है। तो ये क्या कह रहे हैं, भारत में मिली जानकारी अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर तो जो 700 दिया है, तो 700 नहीं है, तो इसके करीब जो होगा यही लगा दीजिए आप, 683। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 683 अमेरिकी डॉलर के साथ ये भारत जो है पहुंच गया है विश्व के तीसरा सबसे बड़ा ये जो विदेशी मुद्रा भंडार में। आगे चले हम लोग देखते हैं, ये 15वां में क्या है साथियों, 15वां में साथियों बहुत ही ये अभी चर्चा में रहा, जम्मू कश्मीर का चुनाव था तो वहां पर ये चर्चा में था। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी जब सरकार बन जाएगी तब हम जो ये पीओके है तो पीओके को हम कब्जा कर लेंगे, तो उसी के बाद ये चर्चा में आया। तो पीओके में ही जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लिया है, तो उसे हम लोग पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो वही पीओके में K2 जिसे हम लोग दूसरी भाषा में गॉडविन आस्टिन कहते हैं, तो एक पर्वत सर्वोच्च ये पर्वत चोटी श्रृंखला ये यानी कह रहे हैं जो ये गॉडविन आस्टिन है किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है। तो जब भी आपसे पूछे भारत की सबसे उच्च चोटी, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही है, तो इसलिए हम कह देते हैं भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भारत में, तो वो K2 यानी गॉडविन आस्टिन है। अगर कभी ऐसा अगर अलग से पूछे कि भारत के स्वतंत्र क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप कंचनजंगा बताएंगे। तो फिलहाल ये पूछ रहे हैं गॉडविन आस्टिन पर्वत श्रृंखला किस चोटी, किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, तो कराकोरम, विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखें, यहाँ पर अच्छा सवाल फिर दे दिया है आपको, एक कंसेप्चुअल सवाल, पर्यावरण दिवस आप लोग जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह 1973 से मनाता चला आ रहा है। तो पर्यावरण दिवस जो 2024 को मनाया गया, इसके संदर्भ में 2 कथन है, दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो देखें इस वर्ष का जो विषय है साथियों, हमारी भूमि हमारा भविष्य हम पीढ़ी की पुनर्स्थापना है। तो यस, इस साल जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 2024 का 5 जून को, तो उसमें उसका विषय यही रखा गया कि हमारी भूमि हमारा भविष्य हम पीढ़ी की पुनर्स्थापना है। तो यस बिल्कुल सही है ये, और यह सऊदी अरब में इसका दिवस जो है, सऊदी अरब विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी कर रहा था। तो यही दोनों कथन सही है हमारे, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आगे अगर देखें हम लोग 17 में, तो इसमें कहा है युवाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया गया अमृत सृजन अभियान, युवाओं को रोजगार को ध्यान में रखकर शुरू किया गया साथियों अमृत सृजन उद्यान। तो ये किस मंत्रालय की है साथियों,
तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है, तो विकल्प नंबर ये ए हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा शुरू किया था साथियों, अमृत सृजन योजना, युवाओं को रोजगार को ध्यान में रखकर। तो ये इस तरह से सोशल मीडिया से संबंधित है, कुछ मतलब रील्स वील से संबंधित था ये मामला, तो ऐसे ही है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है साथियों, अन्नपूर्णा देवी के पास है, अन्नपूर्णा देवी के पास है। पहले ये स्मृति ईरानी देवी के पास था, हालांकि वो चुनाव हार गई, तो इस साल जो है अन्नपूर्णा देवी को जो है ये जो है मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया। आगे देखें हम लोग, तो विश्व शहर क्लस्टर फोरम, फोरम का मतलब साथियों मंच होता है, तो विश्व शहर क्लस्टर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो साथियों बेंगलुरु है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, विश्व शहर क्लस्टर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु। आगे देखें हम लोग अगर 20 में, उत्साह और पॉप पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो साथियों यूजीसी से है, उत्साह और पॉप पोर्टल यूजीसी से है। यूजीसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी विश्वविद्यालय यानी जो उच्चतर शिक्षा है उससे संबंधित, अच्छी उससे अच्छी गुणवत्ता कैसे आए, उसमें अच्छी रिसर्च आए, अच्छी उनकी मतलब बेहतरीन सुविधाएं मिले, इन सब के लिए यूजीसी बनाया गया है। तो विकल्प नंबर ये ए हो जाएगा, उत्साह और पॉप पोर्टल जो है ये उच्च शिक्षा मतलब ये तो पहले से ही था, ये बेहतरीन अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, हायर एजुकेशन कैसे अच्छा किया जाए, ये पहले से ही था उत्साह। अभी पॉप आया है कि हायर एजुकेशन में अच्छे टीचर्स, अच्छे जो है विशेषज्ञ कैसे लाए जाए, उससे संबंधित है ये। तो पॉप ये उत्साह और पॉप यूजीसी से संबंधित है। आगे देखें अगर हम लोग 21 में, तो देश में शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास एक एप्लीकेशन आया था साथियों। ये उल्लास का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं क्या है, तो इसका फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, तो कहाँ है ये, यहाँ है, विकल्प नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग लाइफहुड लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, तो यही हो जाएगा उल्लास का कार्यक्रम। ये किससे संबंधित है, शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने वाला। आगे देखें हम लोग 22 में, बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है साथियों, ये सिलेक्ट किए गए हैं, वही सिलेक्ट किए गए हैं जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो चले हम लोग देखते हैं अपना 22वां प्रश्न, जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र 26 जनवरी, यहाँ पर 26 कट गया है, आप लोग जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस दिन जो है अपना संविधान जो है पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वां गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है, तो साथियों इसकी थीम पूछ रहा है, जो हम लोगों ने जो है 2024 में जो अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है उसका थीम पूछ रहा है क्या है, उसका थीम साथियों यही है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी, यानी भारत लोकतंत्र की माँ, यानी भारत लोकतंत्र की माता या मातृका, तो यही है विकल्प नंबर ए, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, तो यही है साथियों। वैसे भी सब लोग एक थीम भी बन गई है, कहावत एक नारा भी बन गया है, भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की माँ है भारत, तो यही है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। आगे देखें हम लोग 23 वाले में, 23 जनवरी 2024 में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के विरुद्ध दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के विरुद्ध दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, तो साथियों यह अफ्रीकी देश है कैमरून, इसी ने शुरू किया है, यह बच्चों के लिए मलेरिया के विरुद्ध दुनिया का पहला नियमित टीका है, मलेरिया के विरुद्ध लगेगा साथियों, यह अफ्रीकी देश है मलेरिया के प्रति ये लगेगा, और कैमरून जो है एक अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। तो साथियों आप लोग जानते हैं जो अफ्रीका है वो विश्व के जो 95% मच्छर से संबंधित बीमारियां होती हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में होती हैं। तो विकल्प नंबर ये आपके ये जो ये सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा कैमरून ने दुनिया का पहला नियमित टीका बनाया है, कार्यक्रम शुरू किया गया है बच्चों के लिए मलेरिया के विरुद्ध। आगे देखें,
24 में, हाल ही में ओक्लाहोमा की गुफा में, साथियों ओक्लाहोमा गुफा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अभी वहां से लगभग 300 मिलियन वर्ष पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी एक जो सांप जैसा कोई जीव था उसकी त्वचा की खोज की गई है। तो यह कह रहे हैं किस देश में अवस्थित है, यानी ओक्लाहोमा की गुफा किस देश में अवस्थित है जहां से 300 मिलियन वर्ष पुरानी सांप जैसा कोई जीव की त्वचा की खोज की गई है। तो विकल्प नंबर यह सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखें हम लोग, पोषण पखवाड़ा 2024 किस अवधि में आयोजित किया गया है। तो पोषण पखवाड़ा ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, पोषण पखवाड़ा ये साथियों से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये मनाया गया था कार्यक्रम, तो पोषण पखवाड़ा तो ये पूछ रहा है किस अवधि में, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो 9 मार्च से 23 मार्च के बीच। पखवाड़ा का मतलब साथियों एक जो है लगभग कह सकते हैं 15 दिन का जो समय होता है, जैसे एक अजूरिया से शुरू हुआ एक अनहरिया तक, तो जो समय होता है या फिर एक अनहरिया से शुरू हुआ एक अजूरिया तक, वो पखवाड़ा होता है। तो विकल्प नंबर यहां पर जो डी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी उत्तर। आगे देखें हमारा ये 26 वाले में, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, आपको लग रहा होगा कि अभी मैंने कहा था ना लास्ट में कुछ जीएस के प्रश्न आएंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टैटिक्स है, लेकिन इसका कनेक्शन करंट से है। तभी साथियों अफ्रीकी संघ क्या है, अफ्रीका के जो 55 देश हैं उसका एक समूह है अफ्रीकी संघ। तो अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश सदस्य हैं लगभग। तो साथियों ये अभी जो है G20 में शामिल होगा, आप लोग जानते हैं साथियों ये G20 में ये अफ्रीका संघ शामिल हो गया। अब G20 का नाम साथियों G21 पड़ गया है, तो G21 अब हम लोग इसे कहेंगे। तो G20 में अफ्रीका संघ शामिल होने से अब G21 कहलाएगा, इसीलिए चर्चा में आया। तो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों यह इथोपिया में है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा इथोपिया में। इथोपिया में कहाँ, अदीस अबाबा, इथोपिया के अदीस अबाबा में। आगे देखें हम लोग, तो हमारा क्या है यहाँ, देखें 27 का गजब का सवाल है यहाँ, एक बार देखें ध्यान से। कह रहा है प्राचीन ग्रंथों पर विचार कीजिए, आपको अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, मंजूश्री, मूलकल्प, भगवती सूत्र, ये चार आपको जो है प्राचीन ग्रंथ दिए हैं। कह रहा है कि जो 16 महाजनपदों की सूची है हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वो किस ग्रंथ में इसको दिया गया है, जो 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलता है। तो साथियों आप लोग जानते हैं 16 महाजनपद की चर्चा है कुल, और 16 में से 8 तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये साथियों अंगुत्तर निकाय है, महावस्तु है, भगवती सूत्र है, ये तीनों में है, ये मंजूश्री मूलकल्प में नहीं है। तो सीधा सीधा आप तीन को बाहर निकाल दीजिए, यानी ये तीन को निकाल दिए तो इसका मतलब आपको तीन बच रहा है, केवल अच्छा संख्या पूछा है ना, तो आंख मूंद कर आप बता सकते हैं केवल तीन, यानी अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र। तो एबीएम ऐसे करके याद रख लीजिएगा, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र में ये तीनों है। यहाँ पर 16 महाजनपदों की चर्चा इन तीनों ग्रंथों में किया गया है। तो आगे देखें 28 में आपसे जो पूछा जा रहा है साथियों, कह रहा है कि जिस पेड़ के नीचे, आप लोग जानते हैं जो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष को कौन से राजा ने कटवाया था, कौन से शासक ने उस बोधगया में जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसको किसने कटवा दिया था। तो राजा शशांक ने कटवाया था, ये विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका, बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है ये। आगे देखें हम लोग अगर 39 में जो पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो साथियों सिंधु संस्कृति को मेलुहा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखेंगे सिंधु संस्कृति को। आगे देखें हमारा ये जो 30 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहा है जो 1937 का चुनाव हुआ था प्रांतीय चुनाव साथियों, उसमें गैर कांग्रेसी सरकारें कहां कहां बनी थी। तो साथियों आप लोग जानते हैं जो बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ एक कृषक प्रजा पार्टी वो बनाई थी, वहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, एक तो बंगाल में और एक पंजाब में साथियों, पंजाब में जो वहां कम्युनिस्ट पार्टी करके थी एक, तो वो वहां बनी थी पंजाब, यानी बंगाल और पंजाब में कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी, और यहाँ असम में भी बन गई थी, बंबई में भी लगभग तोड़ जोड़ के बन गई थी,
यहाँ पर नहीं बन पाई थी। 3-4 आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने तो 30 कोर प्रश्न थे जो दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट से लिए गए थे, बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो 30 प्रश्नों को देखा जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से बहुत ही अच्छे से संबंधित थे। तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे साथियों डेली टू डेली जो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट हो, धे आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, या सरकारी जो वेबसाइटें हैं, सरकारी आयोग जो है, इन सभी स्रोतों से हम इकट्ठा करके करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न बन सकते हैं डेली टू डेली बेहतरीन प्रश्न, उसको पीडीएफ फॉर्म में जितने भी प्रश्न 25, 30, 50 जितने भी महत्वपूर्ण डेली प्रश्न बन सकते हैं और जिनका कनेक्शन जीएस से भी हो सकता है, उन सारे प्रश्नों को लाया जाए और आपके सामने रखा जाए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में करंट को लेकर कोई समस्या नहीं आए। साथियों हम ये नहीं देखते हैं कि हम मसालेदार प्रश्न बनाना है, तड़केदार बनाना है, सिर्फ हमारा यही उद्देश्य होता है किस प्रश्न के किस टाइप के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उसके बेस पर, उसी के आधार पर नए प्रश्न जो है कैसे पूछ सकते हैं। हमारा ध्येय वही रहता है कि लेवल को हम देखते हैं किस टाइप का पूछा गया है, किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो उस टाइप को हम लोग ध्यान में रखते हैं और उसी करंट को देखकर हम जीएस के भी प्रश्न बनाते हैं। तो मनमानी तरीके से जीएस का प्रश्न मैं नहीं बनाता हूं। अब जो भी हमारा प्रश्न रहेगा सारा करंट का इर्द गिर्द घूमता रहता है, जीएस के भी और करंट का तो रहता ही है। तो चले साथियों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।